Un Academy. Let's crack it. हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जैसे कि मैंने आपको बोला था कि निर्माण IAS के नए सिलेबस की बुक्स आ चुकी हैं और अभी तक जितनी भी बुक्स पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग या नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आती हैं, मैं हर बुक का आपको रिव्यू देती हूँ। और क्योंकि अगर मेंस की दृष्टि से अगर देखा जाए बुक्स में, तो इससे बेस्ट बुक कोई भी नहीं है। तो जितनी भी बुक्स आती हैं, मैं आपको उसका रिव्यू लाके देती हूँ और हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर आपने अभी तक प्रतियाँ अपनी सुरक्षित नहीं की हैं तो ले लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम समय में बुक जो होती हैं उनकी जो मात्रा है वो कम पड़ जाती है, दुकानों पे नहीं मिलती हैं। फिर आप जो आपका पढ़ाई का जो टाइम होता है, उस समय जो पढ़ना होता है, तो उस समय आप बुक्स लेते हुए घूमते हैं तो वो पढ़ाई का टाइम आपका चला जाता है। तो इसलिए आप लोग अभी से ही बुक अपनी सीमित जो प्रतियाँ हैं उनको अपने पास लेके रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मध्य प्रदेश का भूगोल आया है और ये नए सिलेबस में प्रश्न पत्र खंड का खंड बा है, प्रश्न पत्र फर्स्ट का जो पार्ट बा है उसकी यूनिट 3 में पूरा मध्य प्रदेश का भूगोल में जो जो भी सिलेबस है वो इस बुक में कवर किया गया है। किस तरीके से कवर किया है हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मध्य प्रदेश भौगोलिक परिचय है, फिर मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना है, फिर मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना है, फिर मध्य प्रदेश की जलवायु है, फिर मध्य प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति है, फिर मध्य प्रदेश की मृदा है, मध्य प्रदेश का ऊर्जा संसाधन है, मध्य प्रदेश का खनिज संसाधन है, मध्य प्रदेश के उद्योग हैं और मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। कुल टोटल 197 पेज है, मतलब लगभग 200 पेजों की ये यूनिट 3 आपकी है। इस ये 200 पेज में आपको पूरा का पूरा यूनिट 3 कंप्लीट किया है, आपको और कहीं जगह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मध्य प्रदेश के भूगोल में जो इनके अंतर्गत जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे जनजातियां हैं तो जनजातियों में आपदाग्रस्त जनजातियों के बारे में दिया है, उद्योग है तो उद्योग में कृषि उत्पादन वन खनिज आधारित उद्योग ये दिया है, खनिज और ऊर्जा संसाधन है तो प्रकार वितरण उपयोग दिया है, मृदा है तो मृदा के बारे में ये सभी दिए हैं, जनजाति दिए, भू आकारिकी में नर्मदा और मालवा पठार का विशेष संदर्भ में दिया गया है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पूरे बुक्स का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहली बात, जो रेगुलर मैं मेंस के वीडियो लेके आती हूँ आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, वो मिल जाएगा आपको। और आपको पूरी बुक्स का रिव्यू देखना है तो आपको निर्माण IAS करके एक नाम दिख जाएगा, वहाँ पे इसकी जितनी भी बुक आ चुकी हैं वो पूरे रिव्यू, 2 से 3 बुक अभी रह गई हैं तो उनका रिव्यू मैं जल्दी ही आपके लिए देती हूँ। बाकी सभी जितनी भी बुक्स हैं उनका रिव्यू मैं दे चुकी हूँ, तो आप वहाँ पे जाके सभी बुक्स जो भी आप लेना चाहते हैं उसके पहले देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इस प्रकार से मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिचय है, फिर ये भौगोलिक स्थिति है, इस तरीके से मैप दिया गया है, किस तरीके से मध्य प्रदेश किस अक्षांश किस देशांतर में किस प्रकार से फैला हुआ है, फिर ये मध्य प्रदेश की प्राकृतिक स्थिति है, उसका आकार और विस्तार है, पूरे मध्य प्रदेश के ये सीमावर्ती राज्य हैं, मध्य प्रदेश के कौन से सीमावर्ती राज्य जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद ये फिर भूवैज्ञानिक संरचना है मध्य प्रदेश की, मतलब मध्य प्रदेश का जो चट्टाने हैं वो किसके समूह से बनी हुई हैं, किस किस महाकल्प की हैं, फिर जो कि सभी लोगों का फेवरेट है ये स्मरणीय तथ्य जिसमें पूरा 3 मार्कर, और ये संभावित प्रश्न जो आ सकते हैं या लास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं उनके बारे में ये पूरा दिया गया है। इसके बाद है ये फिर मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना, मध्य प्रदेश के पूरे भौतिक विभाग कौन कौन से हैं, उन भौतिक विभागों को कितने बारे में कितने में बांटा गया है, कितने वर्गों में, वो दिया गया है। फिर देखिए इस प्रकार से चित्र दिया गया है, इसमें पूरा मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन कि मध्य प्रदेश को किस किस भागों में बांटा गया है ये दिया गया है। फिर इस प्रकार से मैं पूरे भागों को फिर डिटेल में, और फिर जो भी भाग है उसको इस प्रकार से मैप में शो किया है कि इस जैसे कि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है तो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी से संबंधित सभी तथ्य, जैसे कि इसकी यहाँ की नदियाँ, यहाँ कौन कौन से जिले आते हैं, यहाँ के पर्यटन स्थल, यहाँ की स्थिति, यहाँ की मृदा, यहाँ का खनिज, यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ के उद्योग, तो मतलब एक जो भी आप क्षेत्र पढ़ रहे हैं उससे संबंधित सभी चीज़ें इस प्रकार से मैप में कवर की गई है, जो आप अपने एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, जैसे कि ये
पूरा कवर किया गया है। इसी तरह से हर क्षेत्र को मैप वाइज इसी प्रकार कवर किया गया है। फिर ये इससे संबंधित सभी हैं स्मरणीय तत्व हैं जिन्हें आप अपने 6 नंबर या 5 नंबर या 3 नंबर में लिख सकते हैं। स्मरणीय तथ्यों से वो याद करने में बहुत आसानी हो जाती है, एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाती है। इसके बाद है ना, ये जितने पूरे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो आ सकते हैं या जो आए हैं एग्ज़ाम में, कौन से एग्ज़ाम में कौन सा प्रश्न आया है ये भी यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार से 6 नंबर 15 नंबर सब 5 नंबर 11 नंबर सभी क्वेश्चन को बताया गया है। फिर ये जलवायु है, पूरे मध्य प्रदेश की जलवायु क्या क्या है, मध्य प्रदेश में नदियाँ, मध्य प्रदेश में वर्षा, फिर मध्य प्रदेश से संबंधित पूरे स्मरणीय तथ्य, संभावित पूरे प्रश्न ये पूरा दिया गया है। फिर उनके वनों के आधार पर वर्गीकरण, प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण, मध्य प्रदेश में वन क्षरण के कारण, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज राज्य वन अनुसंधान संस्थान, पर्यटन विकास बोर्ड, ये सभी दिया गया है। फिर जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उन राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित 3 नंबर में आता है, तो इस प्रकार से फैक्ट लिखे गए हैं, तो आप इन फैक्ट को भी 3 नंबर में कवर कर सकते हो। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 3 नंबर 6 नंबर 5 नंबर में आप इनको लिख सकते हैं। फिर ये मृदा है, फिर मृदा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश में बन सकते हैं, मृदा अलग से ही टॉपिक मेंशन किया गया है सिलेबस में, तो ये मृदा से संबंधित जितने भी टॉपिक बन सकते हैं वो पूरा दिया गया है। मृदा अपरदन भी, फिर मृदा से संबंधित जितने भी 3 मार्कर हैं, मृदा संरक्षण, मृदा अपक्रमण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कंपार्ट क्षेत्र विकास कार्यक्रम। फिर देखिए ये इस प्रकार से पूरे स्मरणीय तथ्य हैं जिन्हें आप 5 नंबर 3 नंबर में लिख सकते हैं, याद करके एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं इनका। फिर यही पूरा ऊर्जा संसाधन, मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऊर्जा संसाधन हैं वो आप देख सकते हैं, ये मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन से ऊर्जा संसाधन हैं। इस प्रकार से ये पूरी जल विद्युत शक्ति है, मध्य प्रदेश में कौन सी जल विद्युत शक्ति है, मध्य प्रदेश में ऊर्जा प्रबंधन के साथ समस्याएं कौन सी है, ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में किए गए प्रयास हैं। फिर ये मध्य प्रदेश से संबंधित ये संभावित प्रश्न आ जाएंगे। फिर ये खनिज उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, ये बहुत अच्छे से दिया गया है, कौन कौन से खनिज में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, और फिर अवैध रेत खनन है, फिर ये संबंधित पूरे स्मरणीय तथ्य है। फिर ये उद्योग है, फिर मध्य प्रदेश के उद्योग से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो है, ये आपके 3rd पेपर में भी काम आएगा ये टॉपिक। फिर ये मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में जो भी संस्थाएं हैं वो आ जाएगा। और फिर ये औद्योगिक संरचनाएं हैं पूरी, उनसे संबंधित स्मरणीय तथ्य हैं। फिर ये पूरी योजनाएँ हैं, ये जनजातियाँ हैं, जनजातियों की उप जनजातियाँ हैं, जनजातियों के पूरे ये नृत्य हैं। देखिए इस प्रकार से चार्ट में बताया गया है कौन सी जनजाति का कौन सा नृत्य है। फिर उनसे संबंधित ये 3 मार्कर है और ये स्मरणीय तथ्य, ये टॉपर द्वारा दिए गए इंटरव्यू है जो कि निर्माणियन है और निर्माण IAS से पढ़े हुए हैं और जो टॉपर रहे हैं। ये बुक है और ये लास्ट में अगर आप बुक आपको नहीं मिलती है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 220 रुपये इसकी MRP है। इसका डिस्काउंट आपको अगर आप ग्वालियर से लेते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाता है। बाकी आप इस नंबर पे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं, ये आपको बुक का पूरा डिटेल दे देंगे, तो आप भी बुक मंगवा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट बुक आएगी, नेक्स्ट बुक है जो बची हुई है, उनका रिव्यू मैं जल्दी ही आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के आज चैनल को बने रहिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप अन अकेडमी पे भी फ्री लाइव क्लास ले सकते हैं, फ्री लाइव टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अन अकेडमी की ऐप इंस्टॉल करना है, अपने नंबर से लॉगिन करना है, जो कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आपको कोर्स सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप फ्री लाइव क्लास दे सकते हैं, फ्री डेमो क्लास दे सकते हैं। फ्री क्लास लाइव क्लास में आपको एक दूसरे जो टीचर है उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, अटैम्प्ट पोल अटैम्प्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव टेस्ट में आप अपने आपके पास स्कोर कार्ड हो जाएगा जिससे आप कम्पीट कर सकते हैं दूसरे स्टूडेंट के साथ। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, जहां पे इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपको पढ़ाया जाएगा वो इस तरह से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं उसकी। इस तरीके से इकोनॉमिक्स जैसे दिया गया है, इस तरह से आप अलग अलग सब्जेक्ट के MCQ लगा सकते हैं।
जो लाइव टेस्ट आप देंगे उसके अंदर आपको उसकी मॉडल आंसर शीट मिलेगी, तो आप उसको मॉडल आंसर शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से उसका आंसर लिखा जाएगा आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा ये फ्री क्लास वर्सेज प्लस क्लास होता है, जैसे कि फ्री क्लास होती है उसमें लिमिटेड सिलेबस होता है, ओकेशनल प्रैक्टिस सेट होते हैं, ओकेशनल PDF और लिमिटेड डाउट होते सॉल्व कर सकते हैं, जबकि आपको प्लस क्लास में आपको अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, आपके मन में जो डाउट हो वो क्लियर होता है, अनलिमिटेड PDF दी जाती है और कंप्लीट सिलेबस होता है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक वर्चस्व मैगजीन डाउनलोड नहीं की है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये अक्टूबर की या नवंबर मंथ की भी आप फर्स्ट पार्ट आ चुका है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये हज़ारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज़ है, यहाँ पे आप बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कि वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहते हैं। और ये नवंबर के कोर्सेज़ हैं, इसमें आपको SI MPPSC व्यापम फॉरेस्ट सर्विस पुलिस कांस्टेबल सभी के कोर्स दिए गए हैं। इसके अलावा ये प्लस सब्सक्रिप्शन की फ़ीस है अलग अलग, 1 मंथ की, 3 मंथ की, 6 मंथ की और 12 मंथ की। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं akansha.gk तो आपको 10% का इसमें डिस्काउंट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।